शहीदों की खान कहे जाने वाले कोसली के गांव रामपुरी निवासी आईटीबीपी के जवान मनोज कुमार हिमाचल में अपनी ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से शहीद हो गए, जिनकी उम्र लगभग 42 वर्ष की थी। इनके पिता भी फौज से रिटायर हैं और इनके तीन भाई भी आर्मी में ही तैनात हैं। उनका एक बेटा है जो आईआईटी रुड़की से शिक्षा ग्रहण कर रहा है। आज इनके पैतृक गांव रामपुरी में उनका हरियाणा पुलिस और आईटीबीपी की तरफ से राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में पूरा गांव उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई देने पहुंचा। किस तरह से घटना? हाँ, मैं सहायक सेनानी देवेंद्र प्रकाश, राष्ट्रीय आपदा मोचन साथी वाणी बठिंडा से। आज हम यहाँ हम बड़े दुख के साथ बताना चाहेंगे कि मनोज यादव, जो कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में एक चालक के पद पर तैनात था और वर्तमान में ये कोटला जो हिमाचल प्रदेश में है वहाँ पर ड्यूटी के लिए तैनात था, वहाँ पर इसका हृदय गति रुकने से इनका देहांत हो गया और आज दिनांक 13 को इनका पूरे इनके पैतृक गांव रामपुरी इनके पैतृक गांव रामपुरी में इनका राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है और NDRF इनके परिवार के साथ इनकी मदद हेतु इनकी मतलब पूरी मदद करेगी। जय हिंद।